सत्रहवीं कहानी दाऊदाक दगाड़ परमेश्वरोक वादा। साउल इज़राइल देशोक पहल राज छो। उ देखिन में लंबो चौड़ और सुंदर छो। जस उन लोग चांच एकदम उस्सोई। अपुन राज्य कुछ सालों तक साउल एक निक राज छो, लेकिन बाद में एक तुष्ट बन गयो। जैल परमेश्वर बातों न मान एक कारण परमेश्वर एक दूसर आदमी चुन छे जो एक दिन ओग जाग में राज बनोलो। परमेश्वर दाऊद नामक एक जवान इजरायली आदमी चुन भेरन सावलाक जाग में राज हुनखिन तैयार करुन शुरू कर छे। दाऊद बेतलम नगरों एक ग्वाल छो। कई बार दाऊद बाघ और भालून मार डाल छे, किले की जब अपन बाबाक भेड़ बकरान चरूच उ बखत उन्होंने ले हमला कर छे। दाऊद एक नर्म और धर्मी आदिम छो। उल परमेश्वर में भरोस कर छो और उल बातुन मान छो। दाऊद जवान लड़का छो। उल गोलियत नामक एक बहुत लंबा चौड़ सिपाही खिलाफ लड़ाई लड़ छे। गोलियत ताकतवर और लगभग 9.5 फुट लंबो छो, लेकिन परमेश्वर गोलियतस मारुन और इजराइलिन बचुन में दाऊद तक मदद कर छे। एक बात दाऊद इजराइलक दुश्मनों भटे कई बार जीत मिल छे। दाऊद एक ठुल सिपाही बन गयो और उल बहुत युद्ध में इजरायली सेना की अगुवाई कर छे। लोगुन ले उल तारीफ कर छे। लोगुन ले दाऊदस बहुत प्यार कर छे। एक कारण साउल उहे जलुन लाग छे और साउल उस मार डालुन चाँच। एक कारण दाऊद साउल और उग सिपाहीन भटे लुकुन खिन जंगल में भाग्यो। एक दिन जब साउल और उग सिपाही दाऊद उस खोजुन मरेज, साउल एक गुफा में गयो। वही गुफा में उले छो जै में दाऊद लुकीनाक छो, लेकिन साउल उसने देख दाऊद साउलाक पछिल बहुत नजीक आ गयो और उल वो कपाड़ में भटे एक टुकुड़ काट लीज। बाद में जब साउल उ गुफा भटे निकल छे त दाऊद उस दध्याब्रेन वो कपड़ा टुकुड़ उस दिखाच। इसके साउल जान गयो कि दाऊद राजा बनुन खिन उसने मार। कुछ वक्ता बाद साउल युद्ध में मारी गयो और दाऊद इजरायलोक राज बन गयो। वो एक निक राज छो और लोग उस पसंद कर छा। परमेश्वर दाऊदस आशीष दीस और उस सफल बनाच। दाऊद युद्ध लड़ियान और परमेश्वर इजरायली लोगों का दुश्मनुन हरून में ऊक मदद कर छे। दाऊद यरूशलम नगर जीत भिरन उस अपन राजधानी बनाज जहाँ उरूच और राज्य कर छो। दाऊद 40 सालों तक राज रोज। यो बखत आग दौरान इजरायली शक्तिशाली और धनवान बन गये। दाऊद एक मंदिर बनुन चाँच जहाँ सब इजरायली लोग परमेश्वर आराधना कर सकुन और उ किन बलिदान चढ़ा सकुन। लगभग 400 सालों भटे उन लोग मूसाक बनैनक मिलाप वाल तंबू में परमेश्वर आराधना करने रूंच और उखिन बलिदान चढ़ुने रूंच। लेकिन वहाँ नतान नामक एक भविष्यवक्ता छो। परमेश्वर उस दाऊद थे यो कुनखिन भिच्छे तैल बहुत युद्ध लड़ियान। एक कारण तै मैखिन मंदिर नी बना ले, तेर चुल एस बनाल। तबले मैं तेज बहुत आशीषित करूँ, तेर वंश हमेशा खिन मेर लोगुन में राजाक रूप में राज्य करोल। हमेशा खिन राज्य करुन वाल उ दाऊदोक एकमात्र वंशज मसीह छो। मसीह परमेश्वरोक चुनिनाक जन छो जो संसारक लोगुन उनार पापुन है बचाल। जब दाऊद नतानक बार सुन छे त उल परमेश्वरक धन्यवाद कर छे और उक स्तुति कर छे। परमेश्वर उक मान सम्मान बढ़ुन मरेज और उस बहुत आशीष दिन मरेज। लेकिन दाऊद नी जानछो कि परमेश्वर इन बातुन कब कराल। यो बात हम जानू कि इजरायली लोगुन एक लंबा बखत तक लगभग 1000 साल तक मसीह उनाक इंतजार करुन होलो। दाऊदल कई सालों तक न्यायी पूर्वक अपुन लोगुन राज्य कर छे। उल बहुत ईमानदारी परमेश्वर बातुन मान छे और परमेश्वर उस आशीषित कर छे। हालांकि अपुन जीवनक आखिरी में उल परमेश्वर विरोध में भयानक पाप करीनाक छो। एक दिना जब ब्याल बखत दाऊद राज अपुन बिछान बटे उठ भेन महिला पाक में घूम रेस तब उल
एक बहुत बान शैनीस कोई दूसर घराक पाख में नहान देखे। तब दाऊतल अपन नौकरस भेज बेरन उस सैनिक पत्तो लगवास कि वो कुछ है। तब उस पत्तो चल छे कि वो बेदसभा है। तब दाऊतल नौकरस भेज बेरन उस सैनिस अपन महल में बुलवाच। जब ऊ पास आज तब दाऊत उस अपन दिगाड़ पड़ाच। एक बाद वो अपन घर वापस नह गए। एक थाड़ बाद बखत उ सैनिस पत्तो चल छे कि मेर नंतिन हुनवाल छे। तब उल दाऊद खिन जवाब भेजे कि हमोर नंतिन हुनवाल छे। बेसबा घरवाल अक नाम उरिया छो उ दाऊतो खास सिपाहीन में भेटे एक छो। यो बखत युद्ध करुन खिन बिहार जाइनाक छो। दाऊतल उरियास लड़ाई भेटे वापस बुलाव रहन उथ हैं अपन सैनिक दिगाड़ रुनखिन क्योस। लेकिन ऊक दूसर दगड़ या सिपाही लड़ाई में छा एक कारण उरियाल घर जान है मना कर दीज। और दाऊतल उरियास वापस लड़ाई में भेज दीज। और सेनापति थे उरियास इस जाग में राखुनखिन क्योज जहाँ दुश्मन सबुन है जा ताकतवर हो ताकि वो मारी जो। तय इसो भ्योज की उरिया लड़ाई में मारी गयो। उरियाक लड़ाई में मर जानक बाद दाऊतल बेसबाक दगाड़ ब्याह कर लीज। बाद में उल दाऊताक चला जन्म दीज। लेकिन जो काम दाऊतल कर रख छो वो प्रभु परमेश्वर नजरों में बहुत खराब छो। एक कारण परमेश्वर अपन सेवक नतानस दाऊताक पास यो बतून खिन भेज छे ऊक पाप कतुक बुर छो। दाऊतल अपन पापुन को पश्चाताप कर छे और परमेश्वर उस माफ कर दीज। और अपन बचेनाक जीवन में अपन कठिन बखत में ले दाऊत परमेश्वर पछिल पछिल चल छे और ऊक बातुन मान छे। लेकिन दाऊतो चोल मर गयो इसके परमेश्वर दाऊत सजा दीज। एक अलावा मरुन तक ऊक परिवार कुछ लोग ऊक खिलाफ लड़ कर छा। और दाऊत अपन ताकत कम हो गए। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य छा। और अब ले उल ऊ कर छे जो परमेश्वर दाऊत हैं करना वादा करीना छो कि ऊ करुण भले दाऊद परमेश्वर हुकुम न मान्यो। बाद में दाऊद और बेसबाक दूसर संतान पैद भेज और उन्होंने उचलाक नाम सुलेमान राख छे।